शनिवार को न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। 7 खंडपीठों पर 4,047 मामलों को निराकरण के लिए रखा गया था। शाम 5 बजे तक चली अदालत में हजारों मामलों का आपसी समझौते से निराकरण हुआ, जिससे वादी प्रतिवादी सहित न्यायालय को राहत मिली। अदालत के दौरान आपराधिक प्रकरणों के साथ रुपए के लेन देन वालों को ज्यादा राहत रही। मुख्य न्यायाधीश पद्मा राजो रे तिवारी की खंडपीठ में चेक बाउंस एवं बाइक फाइनेंस राशि के मामले आपसी समझौते से निपटाए गए। इसमें 3 साल से 1 लाख रुपए के लेन देन में चेक बाउंस का मामला पूरी राशि चुकाने पर निराकृत हुआ, तो वहीं एक विधवा महिला के पति की मौत के बाद इंश्योरेंस कंपनी द्वारा करीब 58,000 रुपए चुकाने के बनाया जा रहा दबाव अदालत की दखल के बाद महज 15,000 रुपए के समझौते पर सुलह हो गई। इसके अलावा पति की शराब से तंग आकर पत्नी द्वारा लगाए गए तलाक के मामले में भी सुलह कराई गई। 1.5 साल बाद पति पत्नी फिर साथ रहने को तैयार हो गए। खरगोन ब्यूरो रिपोर्ट। दूसरे के अंदर लोग बैठे हैं जो शराब पीकर अपने परिवार को बर्बाद कर देते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? शराब बंद करना। मिथुन, जिन दोनों का पारिवारिक विवाद चल रहा था, दीपिका ने अपने पति मिथुन के विरुद्ध तलाक का केस लगाया था। ये मिथुन, इनका ऐसा कहना था दीपिका का कि मिथुन 1.5 साल से शराब पी रहे थे, इस वजह से ये इनको तलाक चाहिए था। तो इस लोक अदालत के माध्यम से इनको समझाइश दी गई और इनका परिवार जो है बचाने का पूरा प्रयास किया गया। इनको समझ में आ गया है कि विवाद में कुछ नहीं रखा है, और ये आज इन्होंने जो मिथुन है इन्होंने ये वचन भी दिया है इस लोक अदालत को समझा के माध्यम से समझाने के द्वारा कि ये आज के बाद शराब नहीं पियेंगे। एक प्रकार से ये एक अच्छा संदेश जाएगा, और दोनों पति पत्नी के बीच जो भी विवाद चल रहे थे उनका आज अंत हो गया है, और दोनों आज न्यायालय से ही या अपने परिवार के साथ अपने घर पर जाएंगे, और ये दोनों विवादों का आज अंत हो गया है। सर, कितने बच्चे हैं? तो एक बालिका है। मम्मी के साथ ही रह रही थी? हाँ। ये कब से अलग थे सर? ये 1.5 साल से अलग रह रहे। और ये मिथुन ने भी एक मुकदमा लगा रखा था दाम्पत्य संबंधों के पुनर्स्थापन के लिए, तो उसके बाद जो है ये दीपिका ने तलाक का दावा लगाया था। तो एक दो प्रकार से पति पत्नी दोनों ने दो दावे लगा रखे थे, तो आज इन दोनों दावों का अंत हो गया और दोनों का एक सुखद अंत होकर के दोनों का परिवार फिर से एक हो गया। जिस तरीके से देखने में आता है अक्सर कई गलत फहमियाँ जो कई परिवार के टूटने का कारण नेशनल लोक अदालत एक ऐसा माध्यम बनता जा रहा है जहाँ पर पारिवारिक मसले हल हो रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों को? ये छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद होते रहते हैं पति पत्नी में, और लोक अदालत के मंच से क्या है कि इनको हमारे पैनल लॉयर हैं, PLB हैं, मीडिया के लोग हैं, ये सब इनको जो है काउंसलिंग करते हैं, तो ये इससे एक अच्छा संदेश जाता है और ज़्यादातर इस तरह के पारिवारिक विवादों में समाधान हो जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का था जिसमें आरोपी ने फरियादी को 50,000 रुपये के 2 चेक दिए थे, और वर्ष 2019 से लगभग 4 साल से प्रकरण चल रहा था, और आरोपी जो है फरियादी के रुपए वापस नहीं कर रहा था, लेकिन उसको निरंतर समझाइश दी जाने के बाद आज वो इस चीज़ के लिए तत्पर हुआ कि वो पूरे पैसे जो है फरियादी को वापस कर दे। और आज की लोक अदालत में हमने फरियादी को पूरे 1 लाख रुपए वापस करवाए हैं, साथ ही उसको स्टैम्प शुल्क जो उसने अदा किया है वो भी वापस करने का प्रमाण पत्र न्यायालय के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि उसका जो न्यायालय में खर्च हुआ है वो भी उसको वापस मिल सके। और ये प्रकरण आज लोक अदालत के माध्यम से इस प्रकार सफल हो पाया है। इसमें सुरेश चंद्र विरुद्ध वल्लभ के विरुद्ध ये प्रकरण जो था पंजीबद्ध था। ये प्रकरण 2019 से चल रहा था और इसको 4 साल पूरे हो चुके हैं। ये प्रॉपर्टी को लेन देन था या मैडम व्यापारिक? ये चेक का लेन देन था, मतलब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को किसी कारण से उधार पैसे दिए, और जब उसने उधार पैसे दिए तो उसके बदले में उसने चेक दिए उसको, लेकिन वो चेक देने के बाद जब उसने बैंक में डाले तो चेक उसके बाउंस हो गए, और बाउंस होने के बाद फिर वो केस यहाँ न्यायालय में पंजीबद्ध हुआ था। इस प्रकार के मैम कितने अभी केस आपके पास? इस प्रकार के मेरे पास लगभग 150 के करीब केसेस और भी होंगे।
और प्रत्येक कोर्ट में कम से कम इतने कोर्ट केसेस तो रहते ही रहते हैं। आज के दिन में कितने केसेस अनुमानित? आज के दिन में लगभग 30 के करीब केस सॉल्व होने की पूरी संभावना है। इसमें श्रम के केसेस भी हैं, 138 के भी हैं, कुछ सिविल मामले भी हो जाएंगे और चोरी के कुछ प्रकरण हैं 138 के अलावा मारपीट के कुछ प्रकरण हैं, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। एक महिला का केस भी आज सॉल्व हुआ है जो कि विडो है और उसके 4 बच्चे हैं। उसके पति ने एक बाइक जो है एक फाइनेंस कंपनी से जो है खरीदी थी ऋण लेकर के, लेकिन 2021 में कोरोना के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। महिलाओं ने कुछ केस के पैसे चुकाए भी, लेकिन एक समय के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि 4 बच्चों को पालने के कारण और कोरोना संक्रमण के कारण वो पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाई और उसकी 3 किस्तें भंग हो गई। तो लगभग 58,000 रुपये का उस पर बकाया निकल रहा था। उस बकाया के लिए मैंने संबंधित कंपनी से जब बात की और उसको निगोशिएट किया तो वो जाकर के 15,000 रुपये पर सेटल हो पाया है और उस महिला को 5,000 रुपये की 3 किस्तों में मात्र 15,000 रुपये देने पर उसका केस जो है सेटल हो जाएगा। पारिवारिक विवाद के संबंध? पारिवारिक विवाद के केसेस मेरे यहाँ 498 के हैं और 498 के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय की मंशा के अनुसार 6 महीने का समय लगता है, इसलिए लोक अदालत में उनका निराकरण तो लगभग आज के कंडीशन में नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें घरेलू हिंसा के कुछ केसेस जैसे अंजलि पटेल मैडम के यहाँ चल रहे हैं, राजेंद्र अहिवार जी के यहाँ चल रहे हैं, तो उनमें सेटलमेंट होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।